नमस्कार दोस्तों, आज का अपना विषय है इंड्यूस्ड ब्लीडिंग। फिश बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन आता है राइट और नॉट ऑन इंड्यूस्ड ब्लीडिंग। तो इंड्यूस्ड ब्लीडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, ये सारा अपन इसके अंदर देखेंगे। साथियों, इससे पहले अपन ने किसी कल्चर के बारे में पढ़ा था कि फिश का कल्चर किया जा सकता है, पॉन्ड के अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उसी के आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग होती क्या है, तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के अंदर फिश जो ब्रूडर होते हैं, मेल और फीमेल, उन ब्रूडर्स के अंदर को आर्टिफिशियली हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, गोनेडोट्रोपिन का, पिट्यूटरी हार्मोन का, ताकि उनकी स्पॉनिंग हो सके और उनको आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कराया जा सके और उनसे सीड प्राप्त करा जा सके। जैसे मान लो सीड की क्यों जरूरत होती है या इंड्यूस ब्रीडिंग की क्यों जरूरत है कि मान लो आपके पास एक बड़ा पॉन्ड है और आपको पीसी कल्चर करना है, आपने पीसी कल्चर के बारे में पढ़ लिया है, कौन सी जातियों का कल्चर करना है ये भी आपने फिक्स कर लिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली सीड लाना पड़ेगा, जिसको छोटे स्पॉन या एक फर्टिलाइज जो फिंगरलिंग स्टेज होती है वहां से वो लेके आना पड़ेगा और वो उसमें पॉन्ड की कैपेसिटी के हिसाब से उतने अमाउंट को उसको डालना पड़ेगा। तो वो सीड मिलेंगे कहाँ, वो सीड मिलेंगे फिश फॉर्म में। फिश फॉर्म के अंदर जो फिश फॉर्म होता है वहां पर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई जाती है या सीड प्रोडक्शन होता है। जैसे अपने बिलवाड़ा के अंदर गुवाड़ी डैम के यहाँ पर फिश फॉर्म बना हुआ है, चाइनीज फैक्ट्री है, जिसके अंदर आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इसी राजस्थान में बांसवाड़ा के अंदर होती है। इस प्रकार आर्टिफिशियली या इंड्यूस ब्रीडिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो ये विशेष प्रकार की टेक्निक है जिसमें ब्रूडर को पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है और उनको स्पर्म्स और ओवा प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं या इस टेक्निक को हाइपोफाइजेशन भी कहते हैं। एक परिभाषा आती है, व्हाट इज हाइपोफाइजेशन, तो हाइपोफाइजेशन का मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन टू ब्रूडर फिश फॉर रिलीज ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा या इन इंड्यूस ब्रीडिंग। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इस टेक्निक को क्या कहते हैं, हाइपोफाइजेशन। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए और ये इसकी परिभाषा हुई। इंड्यूस ब्रीडिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, इंड्यूस ब्रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले अर्जेंटीना के अंदर हुसे ने 1930 में करी थी। वहां से सबसे पहले इसने पिट्यूटरी इंजेक्ट करवाकर कार्प के अंदर से सीड प्राप्त करे थे। इसके 8 साल बाद भारत के अंदर डॉक्टर खान ने 1938 के अंदर सिरिनस ब्रेगाला जो होता है कॉमन कार्प, इस कॉमन कार्प के अंदर मेमोरी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन लगाकर उससे सीड प्रोडक्शन प्राप्त किया। अब क्यों जरूरत होती है इसकी, इंड्यूस ब्रीडिंग की या फिश, व्हाई डजंट फिश डजंट ब्रीड इन कैप्टिविटी। फिश जो होती है, जो इंडियन मेजर कार्प्स होती है, वो पॉन्ड के अंदर ब्रीडिंग क्यों नहीं करेगी, है ना, बिना इसके इंड्यूस ब्रीडिंग के क्यों नहीं करती है, क्योंकि फिश के ब्रीडिंग करने के लिए, फिश के स्पॉनिंग के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत होती है, जिस कंडीशंस जो है वो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में नहीं मिल पाती है, इसीलिए उनको इंड्यूस या स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे सर्टन पैरामीटर है, जैसे फोटो पीरियड है, रेन बरसात आनी चाहिए फिश के लिए, और टेम्परेचर एडिक्वेट होना चाहिए, वाटर करंट जो होती है वो मेंटेन होना चाहिए और हार्मोनल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीजें चाहिए जो अपन आर्टिफिशियली इसको इंड्यूस ब्रीडिंग के अंदर देंगे। व्हाई इंड्यूस ब्रीडिंग इज नेसेसरी, क्यों आवश्यकता हो रही है इंड्यूस ब्रीडिंग की, क्योंकि फिश नेचुरली तो ब्रीड करेगी नहीं आपके पॉन्ड के अंदर, तो उसके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस हिसाब से पीसी कल्चर बढ़ रहा है, लोगों को इसका ज्ञान हो रहा है, वाटर बॉडीज भारत के अंदर बहुत सारी है, छोटे छोटे तालाब है, बड़े लार्ज पॉन्ड है, लेक्स है, तो उस हिसाब से उनके अंदर फिश कल्चर करने के लिए सीड की काफी डिमांड है भारत में। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंड्यूस ब्रीडिंग की जरूरत है। अगर अपन इंड्यूस ब्रीडिंग नहीं कराएंगे तो इतना सारा सीड कहाँ से लाएंगे, तो इतना सारा सीड जो प्राप्त करने के लिए हाइपोफाइजेशन की जरूरत होती है, ताकि सीड ज्यादा मात्रा में और प्योर मिल सके। सबसे बड़ी बात इसमें प्योर सीड होते हैं कि आप कटला की सीड प्राप्त कर रहे हो तो कटला के होंगे, रोह के हैं तो रोह के मिलेंगे, ग्रास काट के चाहिए तो ग्रास काट के मिलेंगे। तो इतनी बड़ी डिमांड को देखने के कारण इंड्यूस ब्रीडिंग की आवश्यकता होती है। अब कैसे करते हैं ये, द टेक्निक ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग गिव्स वेरी प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन फिशरी पॉइंट ऑफ व्यू।
क्या क्या होता है? एक तो इससे आपको अभी बताया दिया, प्योर एग्स, प्योर प्रकार की शीट प्राप्त होते हैं, टाइमली मिल जाते हैं, इसके अंदर एक्सपेंडिचर बहुत कम होता है, लेस स्किल होती है, कम ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, और जो फिश की डिमांड जो होती है उसको पूरी की जा सकती है। अब इंड्यूस ब्रीडिंग की क्या क्या टेक्निक होती है, इंड्यूस ब्रीडिंग वो शुरू करें उससे पहले इंड्यूस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एक भी एक टेक्निक है, जिसके अंदर इसको भी अपन आर्टिफिशियली फिश को फर्टिलाइजेशन करवाया जा सकता है, जिसको स्ट्राइपिंग कहते हैं। स्ट्राइपिंग एक कम टेक्नोलॉजी वाली टेक्निक है, जिसके अंदर मेल और फीमेल को इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, मेल को प्रेस करके उससे अपन मिल्ट प्राप्त करते हैं, मेल का जो सीमन होता है उसे मिल्ट कहते हैं, MILT, मिल्ट होते हैं स्पर्म या सीमन ऑफ मेल फिश, और फीमेल के जो ओवा होते हैं, अंडे होते हैं, उसको स्पॉन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, और इंजेक्शन लगाकर दो मेथड, या तो ड्राई मेथड या वेट मेथड। ड्राई मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो मिल्ट होता है उसको एक के ऊपर डाल दिया जाता है, अभी आगे डायग्राम में दिखेगा, और उसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है। और दूसरी मेथड के अंदर सबसे पहले एग लिए जाते हैं फ्रेश फैक्ट्री डिश ट्रे के अंदर, और उस एग के ऊपर फिर मिल्ट डाला जाता है, वो एग पानी में होते हैं, और उसके बाद उसमें मिल्ट डाला जाता है। ये वेट मेथड, क्योंकि गीले में कर रहे हो इसलिए वेट मेथड है। तो ये दो प्रकार की मेथड के द्वारा किया जा सकता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर आर्टिफिशियल फर्टिलाइज करा रहे हो आप, या स्ट्राइपिंग करा रहे हो, कैसे, ये फीमेल फिश है, इसको इंजेक्शन लगाया सबसे पहले, और इसको प्रेस करेंगे हल्का सा, तो इससे सारा जो इसका स्पॉन होगा, अंडे होंगे, वो सारा इसमें आ जाएंगे। इसी प्रकार मेल, जो ये मेल फिश है, इसको थोड़ा सही कर लेना, मेल फिश है, इसको इंजेक्शन लगाएंगे और यहाँ से सीमन या मिल्क प्राप्त करेंगे। अब इन दोनों को अपन मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स, ये यहाँ से था, इसके सीमन मिक्स कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, फर्टिलाइज एयर हो गए। फर्टिलाइजेशन के बाद छोटे छोटे फ्राई आ जाएंगे, उसके बाद हैचलिंग आएंगे, उसके बाद फ्राई आएंगे, उसके बाद सिंगल लिंग स्टेज में पहुंच जाएंगे। अब आती है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की, आर्टिफिशियल या इंड्यूस ब्रीडिंग की, हाइपोफाइजेशन, जिसमें हार्मोन्स के द्वारा अपन इंड्यूस ब्रीडिंग करते हैं, जिसको हाइपोफाइजेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन के इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, IM इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंट्रामस्कुलर, काउडल पिडंकल के पास, जो टेल होती है उसके पास में इंजेक्शन लगाया जाता है, और किसको, ब्रूडर को स्टिमुलेट किया जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन है, उसके अलावा आगे देखेंगे ओवाटाइड और ओवा क्रीम, दो ऐसे हार्मोन है, सिंथेटिक हार्मोन है, जिनका भी आजकल यूज किया जाता है। तो ये भी आपको नाम याद रखने, ओवाटाइड एंड ओवा क्रीम, ये आपकी प्रिंसेप्ट में लिखना आवश्यक है। अब कैसे करते हैं कलेक्ट, कैसे पूरी टेक्निक होती है, तो इसके लिए स्किल की जरूरत होती है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से प्राप्त करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो ब्रूडर फिश होती है, सेक्सुअल मैच्योर फिश होती है, उनसे पिट्यूटरी ग्लैंड प्राप्त की जाती है। कैसे उसको निकालेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड आप साथियों आपको पता है कि ये सिर के अंदर होती है, सेला टस्क्रे, यहाँ पर जो ब्रेन के अंदर होती है, हाइपोथैलेमस के पास जुड़ी हुई होती है। इसको रिमूव करने का पहला तरीका तो ये, हेड को आप डिसेक्ट करो और उससे पिट्यूटरी ग्लैंड प्राप्त कर लो, या फिर दूसरा है फोरामेन मैग्नम के थ्रू इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को प्राप्त किया जा सकता है। ये फिश का हेड है, इसको डिसेक्ट करके यहाँ पर एक व्हाइट कलर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल लिया जाता है। इसको बहुत छोटी सी होती है, इसको निकाल कर इसको प्रिजर्वेशन करना होता है, फिर इससे हार्मोन्स निकालना होगा। प्रिजर्वेशन, इसका प्रिजर्वेशन, क्योंकि अभी आपने निकाली है तो अभी के अभी इसको आप यूज नहीं करना है, और आगे फ्यूचर के लिए इसको प्रिजर्व करना जरूरी होता है। तो प्रिजर्व करते हैं इसको एल्कोहल के अंदर, एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पर, या फिर एसीटोन के अंदर स्टोर किया जा सकता है। नॉर्मल फिक्सेटिव है ये, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसीटोन के अंदर इसको फिक्स किया जा सकता है, या ग्लिसरीन के अंदर भी किया जा सकता है। ये आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखने की, कलेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब लेंगे अपन ब्रूडर, जिसको अपने को इंजेक्शन लगाना है। तो ब्रूडर के लिए हेल्दी होने चाहिए, काफी मेच्योर होने चाहिए, 2-4 ईयर्स एज जनरली प्रेफर की जाती है, और उनका बॉडी वेट जनरली 2 किलो से ऊपर ही होना चाहिए।
अब इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, इंजेक्शन आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक्सट्रैक्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एक्सट्रैक्ट निकालेंगे उसको ब्रूडर को हाइपोडर्मिक सिरिंज के माध्यम से इंट्रामस्कुलर या इंट्रा पेरिटोनियल लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने में ये ध्यान रखा जाता है डोज का, डोज जो होती है ये स्पीसीज पर डिपेंड करती है, दूसरा मैच्योरिटी स्टेज पर डिपेंड करती है और फिश के वेट के ऊपर डिपेंड करती है कि फिश कितने किलो के ब्रूडर्स है, उस हिसाब से इनकी डोज फिक्स होती है। अगर उस डोज से कम या ज्यादा लगाया तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं। यूएसएसआर जो रशिया में है वहां इंट्रा क्रेनियल इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, अमेरिका और जापान में इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर जनरली इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। इंट्रा मस्कुलर कहाँ लगाया जाता है, काउडल पेडंकल या टेल के पास लगाया जाते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल इंजेक्शन पेल्विक और पेक्टोरल फिन के पास लगाए जाते हैं। ये ब्रूडर है इसको काफी हैंडलिंग पकड़ना काफी हैंडलिंग प्रॉब्लम होनी, हैंडलिंग जो है अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसको इंजेक्शन लगाया जाएगा पिट्यूटरी इनका ग्लैंड का। डोज क्या होगी, फीमेल को दो डोज लगाई जाती है। इनिशियल डोज जो होती है 2-3 मिलीग्राम पर किलो बॉडी वेट होता है, मान लो 3 किलो की ली तो आपको 9 मिलीग्राम हो जाएगा। दूसरी डोज होती है रिजॉल्विंग डोज या फाइनल डोज जो 6-8 मिलीग्राम पर बॉडी वेट होता है, जबकि मेल को एक ही डोज लगाई जाती है, फीमेल को सेकंड डोज देने के बाद 2-3 मिलीग्राम पर बॉडी वेट, मेल को एक ही डोज होती है। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल को दो डोज होती है, मेल को एक डोज लगाकर इनको छोड़ दिया जाता है हापा के अंदर। अलग अलग स्पीसीज, तीनों स्पीसीज के अंदर करीब करीब एक प्रकार की डोज है। कटला रोहू मृगल जो इंडियन मेजर कास्ट है, इनमें फीमेल के अंदर डोज फर्स्ट 2-3 मिलीग्राम और सेकंड डोज 6-8 मिलीग्राम और मेल के अंदर 2-3 मिलीग्राम पर बॉडी वेट पर केजी। अब जैसे इंजेक्शन लगाया ब्रूडर को, इनको ब्रूडर को हापा ब्रीडिंग हापा के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन लगा दिए तो अब वो थोड़ी देर में स्टिमुलेट होगी और उनके अंदर स्पॉनिंग होगी, उनके अंदर वो गैमेट्स रिलीज होंगे। तो हापा के अंदर, हापा क्या होता है, हापा एक कपड़े या नेट का बना हुआ एक चौकोर चारों तरफ से बंद एक प्रकार की संरचना होती है जो पानी के ऊपर होता है। हापा की साइज 3x1.5 मीटर होती है, इसको ब्रीडिंग हापा कहते हैं। नेट होती चारों तरफ जाल होती है और इसको पानी से ऊपर रखते हैं, ऊपर से क्लोज या ओपन हो सकता है, इसके अंदर आपके ब्रूडर छोड़ दिए जाते हैं और उनको इंजेक्शन लगे हुए ब्रूडर छोड़ दिए जाएंगे। कुछ समय बाद ये आपस में स्पर्म और ओवा रिलीज होंगे और उनके अंदर ब्रीडिंग फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइज एग्स बन जाएंगे। फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट पर्लाइक होते हैं, जबकि अनफर्टिलाइज एग्स जो होते हैं व्हाइटिश कलर के रहेंगे। ये आप ढूंढ सकते हो, ये हापा के अंदर ब्रूडर छोड़ रखे हैं आपने। यहाँ ब्रूडर ट्रांसफर करने के बाद ये अपने स्पर्म और ओवर डिस्चार्ज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद ब्रूडर को वापस बाहर निकाल लोगे और जो फर्टिलाइज्ड एग्स है उनको ट्रांसफर किया जाते हैं नर्सरी पॉन्ड के अंदर, और जिसमें आप फिंगर और फ्राई स्टेज और फिंगर स्टेज हो सकते हैं। उन स्टेज को जैसे भी कोई आता है खरीदने के लिए तो वहां उसको पॉलीथीन के अंदर पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ उनको ट्रांसफर करके आपको भेजा जाता है ट्रक के अंदर, और ऑक्सीजन चेंज करनी पड़ती है फिंगरलिंग या फ्राई स्टेज में। अभी आपको देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बजाय कुछ सिंथेटिक हार्मोन जैसे HCG भी यूज कर सकते हो, सिनाबोरिन ये जो है ये, या ओवाप्रिम एंड ओवाटाइड जो होते हैं ये भी आप यूज कर सकते हो। मार्केट में ऐसे अवेलेबल है सिंथेटिक हार्मोन जिनका इंजेक्शन ब्रूडर को लगाया जा सकता है। इस प्रकार साथियों अपन ने ये इंड्यूस ब्रीडिंग देखी कैसे करते हैं। कुछ बेटर रिजल्ट के लिए अपने को क्या चाहिए कि एक तो डोज का ध्यान रखना होता है, ब्रूडर अच्छे हो, उनको अच्छी तरह से हैंडलिंग हो, और जो फिश शीट प्राप्त करते हैं उनको बिना फटाफट नर्सरी के अंदर शिफ्ट करना जरूरी होता है, और वाटर क्वालिटी जो होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार के पैरासाइट्स नहीं होने चाहिए या फिश के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बाकी वो उनको खत्म कर देंगे। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, स्टोरेज प्रॉब्लम है, हैंडलिंग प्रॉब्लम है, स्किलफुल हैंड चाहिए, डोज मैनेजमेंट जरूरी है, और अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रूडर या अवेलेबिलिटी ऑफ इंजेक्शन है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि किस प्रकार एक बिल्कुल सिंपल वे के अंदर इंड्यूस ब्रीडिंग की परिभाषा क्या होती है,
कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालते हैं, कैसे ब्रेजर करते हैं, कैसे इंजेक्शन लगाते हैं ब्रूटर को, कैसे हापा क्या होता है, हापा के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा आपको इंड्यूस ब्लीडिंग के अंदर बताना होगा। धन्यवाद।